गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास है संविधान के भाग चार कै पे, जिसमें हमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं, यानी भाग चार के तहत आर्टिकल 51 कै को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं दिए गए थे, इन्हें बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो बेसिकली आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को तीन चार पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन सी समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ने का उद्देश्य क्या था। इसके अलावा कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में दी गई हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, और वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिन्हें अभी तक संविधान में जोड़ा नहीं गया है या हमारे मूल कर्तव्यों में लिखा नहीं गया है लेकिन उन्हें जोड़ा जाना चाहिए, वो वर्तमान समय की मांग है, डिमांड है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हमारे संविधान में भाग चार कै को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 51 कै आता है। इसमें दी गई हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे मूल कर्तव्य। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की अनुशंसा की थी, या सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई थी उसमें 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने की बात कही थी। लेकिन जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत। वर्तमान में 11 है इनकी संख्या है हमारे मूल कर्तव्यों की। अब हमने ये तो देख लिया कि कौन सी समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया, अब हम देखते हैं कि किस उद्देश्य के तहत जोड़ा गया। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का पर्पज या उद्देश्य क्या था? देखिए, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। धीरे धीरे समय के साथ ये महसूस किया गया कि हमारी आंतरिक समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न ना हो, इसलिए ज़रूरी हो गया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे। तो ये पर्पस था कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। साथ ही किसी भी देश के विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले या सबसे अहम भूमिका जो होती है वो उस देश के नागरिकों की होती है। यदि किसी भी देश के नागरिक अपने देश के प्रति मूल कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें तो वो देश विकसित राष्ट्र बन सकता है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने जापान। क्योंकि हम आज़ाद हुए 1947 में और अभी तक हम विकासशील राष्ट्र हैं, और जबकि हम जानते हैं कि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के समय जापान की हालत इतनी बदतर थी, उसके बावजूद वहाँ के नागरिकों ने अपने मूल कर्तव्यों का पालन किया और अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाया। तो देखिए, सिर्फ 2 साल का डिफरेंस है लेकिन वर्तमान में जापान एक विकसित देश है। ऐसा ही एक उदाहरण सिंगापुर का भी है, और हम अभी तक विकासशील राष्ट्र हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें भी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें दी गई हैं। पहली फंडामेंटल ड्यूटी, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए, प्रत्येक फंडामेंटल ड्यूटी के साथ उसके शब्दों का महत्व हमें जानना है,
क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में सीधे शब्द ना दे करके उनमें निहित भावनाओं को पूछ लिया जाता है या उनमें निहित भावनाओं को लैंग्वेज के माध्यम से क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो हम क्वेश्चन को कब सही कर पाएंगे, जब एक तो फंडामेंटल ड्यूटी हमें एज इट इज़ याद हो, दूसरा उनमें अंतर्निहित भावना भी हमें पता हो कि आखिर इन शब्दों की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि देखिए, पूरे संविधान में जितने शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों में सबसे ज़रूरी है उनमें अंतर्निहित भावना। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार अपनी वर्डिक्ट देते समय संविधान में लिखित शब्दों की व्याख्या करता है कि इन शब्दों में संविधान सभा के सदस्यों ने किस भावना के तहत इन शब्दों को जोड़ा है। तो चलिए, एक तो फंडामेंटल ड्यूटी हम पढ़ेंगे, उसके साथ उसकी भावनाएं या उसमें कौन से विचार अंतर्निहित है वो भी देखेंगे। देखिए, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सबसे पहले संविधान का पालन करना है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में संविधान की सुपरमेसी है। प्रस्तावना पढ़ते समय हमने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझा था कि हमारे देश में किसी पद की, किसी संस्था की सर्वोच्चता नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है। सुपरमेसी में कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या लिखी जाएगी, कॉमन सेंस भी साथ साथ में लगाना है कि सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी लिखी जाएगी जिसकी सुपरमेसी है हमारे देश में, तो संविधान का पालन करना है, उसके आदर्श, उसकी संस्थाएं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। क्योंकि ये प्रतीक चिन्ह हैं हमारे देश के, तो इनका हमें आदर करना है, सम्मान करना है। दूसरा, देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी पे कॉमन सेंस लगाइए कि हमने संविधान बनाया है, संविधान का पालन हमें करना है, लेकिन वो संविधान बना कब, जब हमें स्वतंत्रता मिली। तो स्वतंत्रता को सेकंड पे इसीलिए लिखा है कि सुपरमेसी हमारे देश में संविधान की है, और वो सुपरमेसी आई कैसे, जब हम फ्रीडम हमने प्राप्त कर ली या हम आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए तब। तो दूसरी, हमारा कर्तव्य क्या है, दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है, उनका पालन करना है। इसका ठीक ठीक अगर आम बोलचाल की भाषा में हम मतलब समझें तो ये फंडामेंटल ड्यूटी ये कहना चाहती है कि जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलवाने के लिए या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना घर परिवार हर चीज़ का त्याग कर दिया, और उन्होंने इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, इस स्वतंत्र देश को कौन से आदर्शों के तहत आज़ादी दिलवाई थी या वो भारत को कैसे देखना चाहते थे भविष्य में कि हमारा स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए। तो उनके जो आदर्श थे उन्हें हमें अपने हृदय में संजोए रखना है, यानी इस स्वतंत्र भारत में जो आज हम सांस ले पा रहे हैं ये हमें भूलना नहीं है कि किस कीमत पे हमें आज़ादी मिली थी। तो कुल मिलाकर के जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे उनको हमें भी अपने हृदय में संजोकर रखना है और उनका पालन करना है, ताकि हम सम्मान व्यक्त कर सकें उन लोगों के प्रति जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलवाने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। और बच्चा बच्चा इस देश का वाकिफ है भगत सिंह से, तो वैसे ही कितने अनेकों स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके आदर्शों को अपने हृदय में, अपने मन में संजोए रखें। ये हमारी दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देखिए, इस फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ने के पीछे कारण ये था कि आप समझिए 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। जब भारत आज़ाद हुआ तब हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ ये समस्या थी कि हमें कैसे भी करके
अंग्रेजों को भारत से भगाना है और हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, अंग्रेजों को हमने भगा दिया, हम स्वतंत्र हो गए, स्वाधीन हो गए, ठीक है। अब स्वतंत्र भारत के सामने समस्या थी देश की एकता, अखंडता, प्रभुता की। तो जब तक प्रत्येक नागरिक इस देश को एकता, अखंडता और प्रभुता के लिए कार्य नहीं करेगा, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, तब तक देश अखंड एकता के साथ नहीं रह सकता। और हमने प्रस्तावना में भी ये तीनों शब्द देखे थे, प्रभुता भी, एकता भी और अखंडता भी, ये चीज़ हमारी प्रस्तावना में भी है। और इसीलिए ये हमारा मूल कर्तव्य बनता है कि हम हमारे देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, किसी भी तरह की कोई आँच उसे ना आने दें। चलिए, ये तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। फोर्थ कहती है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। एकता, अखंडता कब बनी रह सकती है? जब हमारा देश सुरक्षित है। तो इसीलिए फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी, ये सारी फंडामेंटल ड्यूटी एक दूसरे से लिंक हैं। आप देखिए, संविधान का पालन करना है। संविधान कब बना? जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तो स्वतंत्रता हमने जिस तरह से प्राप्त की, उन आदर्शों को, उन व्यक्तियों के योगदान को हमें हमारे हृदय में रखना है। तीसरा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता हमने हासिल की, प्राप्त की, किस लिए? ताकि भारत संप्रभु हो सके, एकता और अखंडता के साथ भारत हो, इसीलिए तो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी ये है। फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है कि एकता, अखंडता कैसे रह सकती है जब देश सुरक्षित हो, यानी देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर। अब इस आह्वान शब्द में क्या विचार या क्या भावना निहित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन सीधा फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी ना दे करके ये पूछ ले कि वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है जिसके तहत महिलाओं और बच्चों को भी देश की सेवा में काम में लिया जा सकता है। तो सीधे सीधे शब्दों में तो किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी में ये बात नहीं लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे आह्वान किए जाने का, सेंस यही है कि यदि देश पे कोई संकट आता है, तो यदि राष्ट्र को जरूरत है सभी नागरिकों की, तो उसमें महिलाओं और बच्चों को भी शामिल किया जा सकता है। और ये कहीं से कहीं तक मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार पढ़ते समय हमने देखा था कि आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। इन आर्टिकल्स में लिखा गया है कि आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को आप काम में नहीं लगा सकते। लेकिन यदि देश पे कोई ऐसा संकट आता है और राष्ट्र के द्वारा आह्वान किया जाता है, तो उसमें हम महिलाओं से, बच्चों से उनकी सेवा ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या भाव निहित है आह्वान किए जाने का, वो आपको समझना है, ठीक है। इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के विचार और भावना जान लेने से एक तो ये बेनिफिट होने वाला है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद बहुत इजी मैनर में हो जाएंगी, और दूसरा, अगर क्वेश्चन को घुमाकर या लैंग्वेज को बदल करके भी पूछा जाए, तब भी आप डेफिनेटली क्वेश्चंस को सही करेंगे। चलिए, पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अब यहाँ पे क्या भावना निहित है? यहाँ पे ये भावना निहित है कि हमें प्रभुता, एकता, अखंडता चाहिए। हम राष्ट्र की रक्षा भी करेंगे और आह्वान किए जाने पे सेवा भी करेंगे, लेकिन जब तक हम में भाईचारे की भावना निहित नहीं होगी, हम हमारी आंतरिक कलह को ही समाप्त नहीं कर पाएंगे। बाहरी आक्रमण से जूझना या लड़ना बाद की बात है, हम आंतरिक कलह को समाप्त भी तो करना चाहते हैं। तो इसीलिए भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, ऐसा ही एक शब्द प्रस्तावना में भी लिखा गया है, बंधुत्व की भावना।
और यहाँ पे लिखा है समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। हमने मूल अधिकारों को पढ़ते समय ये देखा था कि आर्टिकल 15 बात करता है कि राज्य 5 आधारों पे भेदभाव नहीं करेगा। हमारी सरकार, हमारा देश किसी भी नागरिक के साथ समानता का व्यवहार करेगा। वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। तो ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक उसी तरह हमारे मूल कर्तव्य में नागरिकों का भी ये दायित्व बनता है कि वो किसी भी दूसरे नागरिक के साथ धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पे आधारित कोई भेदभाव ना करे। तो इस फंडामेंटल ड्यूटी में 3 बातें निहित हैं। पहली, हमें समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के साथ रहना है। वो कैसे पॉसिबल होगा, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना? जब हम किसी के साथ धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पे आधारित भेदभाव नहीं करेंगे, सबके साथ समानता का व्यवहार करेंगे। और तीसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। देखिए, ऐसी कौन सी प्रथाएं हैं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, ये वो प्रथाएं हैं जो स्त्रियों की गरिमा के, उनके सम्मान के खिलाफ हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सती प्रथा का अंत होना चाहिए या सती प्रथा किसी भी तरह से कोई नागरिक उसे बढ़ावा ना दे, ऐसा भी कर्तव्य है हमारा, तो ये कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है जिसमें ये बात निहित है? तो देखिए, ऐसी प्रथाओं में ये सारी प्रथाएं आ जाती हैं जिनके खिलाफ हमें एकजुट होकर के काम करना चाहिए कि कोई भी नागरिक ऐसी प्रथाओं को फॉलो ना करे। जो कर रहे हैं उनको भी दूसरे नागरिक रोकें ऐसी प्रथाओं को पालन करने से। तो इसमें 3 बातें निहित थी, तीनों का सार आपको समझना है। पहली, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, यानी भाईचारे, बंधुत्व के साथ हमें रहना है। दूसरा, धर्म, भाषा, प्रदेश पे आधारित कोई भेदभाव नहीं करना, तभी तो हम समान भ्रातृत्व की भावना से रह पाएंगे। और तीसरा, ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो जो 5वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए, क्योंकि इसमें 3 बहुत बड़ी बातें निहित हैं, इसलिए ये फंडामेंटल ड्यूटी इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है। बाकी सभी फंडामेंटल ड्यूटी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल ड्यूटी बड़ी हैं, उनका सार ज़्यादा है या उनमें निहित जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा हैं, तो उनको स्पेशली ध्यान में रखना है। भले ही इसके आगे 2 स्टार लगा लेना कि 5वीं फंडामेंटल ड्यूटी तो एज इट इज़ याद करनी है और इसकी भावना भी पता होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अब देखिए, हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है और हम चाहते हैं वो लगातार बनी रहे। सर्वधर्म संभाव की भावना कहाँ निहित है? हमारी संस्कृति में, जो कि सदियों से चली आ रही है। इसके अलावा अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। तो आप सोचिए, जब इतनी खूबसूरत हमारी संस्कृति है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम हमारी संस्कृति पे गर्व भी करें और उसे अगली पीढ़ी को भी प्रदान करें। तो इसीलिए कर्तव्य क्या है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। परिरक्षण करने से तात्पर्य है कि हमारी संस्कृति को कोई क्षति ना पहुंचे और हम अगली जनरेशन को भी हमारी यही गौरवशाली संस्कृति प्रदान करें। तो ये हमारा था 6th फंडामेंटल ड्यूटी। अब 7th देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें ताकि प्राणी मात्र के प्रति करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अब देखिए, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व हमने समझा और हमारी संस्कृति ही ये दिखाती है कि हम हमेशा से वनों का संरक्षण करते हैं,
हम झीलों को, नदियों को, नदी को तो हमारी संस्कृति में माँ का दर्जा दिया गया है, गंगा मैया, तो हमने हमारी संस्कृति से ही ये वाला पार्ट लिया है। और दूसरा, इस पार्ट को लेने का एक पर्पज़ और ये है कि ये जो समय चल रहा है 1976 वाला जो समय चल रहा है, इसमें पूरे विश्व में पर्यावरणविद एक्टिव हो गए थे। यानी पर्यावरणविदों ने ये समझ लिया था कि यदि हमने हमारे पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनका संरक्षण नहीं किया तो मानव जाति पे खतरा आ जाएगा। तो उसे भी हम देखते हैं। पहले देखिए प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करनी है, यानी उनका वध नहीं करना। यदि वन्य जीव हैं तो उनका शिकार नहीं करना, उसका संवर्धन करें, उन्हें बढ़ाने का भी तो प्रयास करना है। अदरवाइज़ आज हम देख पा रहे हैं कि कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं हमारे आसपास से। तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। दया भाव रखेंगे तभी हम शिकार नहीं करेंगे, तभी हम उन्हें मारेंगे नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वर्तमान में पर्यावरण कितना जरूरी और ज्वलंत मुद्दा है, ये आप समझ पा रहे हैं। तो जैसे फिफ्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वैसे ही सेवन्थ फंडामेंटल ड्यूटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा था इसलिए ये मूल कर्तव्य भी है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो 1976 वाला समय चल रहा था, इस समय को आप थोड़ा सा ये समझिए। 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर एक शहर है ईरान का। इस सम्मेलन में भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था और इस सम्मेलन में पर्यावरणविदों ने सभी देश के लोगों से ये गुजारिश की थी कि यदि प्रत्येक देश के नागरिक अपने पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो ये मानव जाति पे संकट आ जाएगा। और ये हम वर्तमान में 2021 में देख पा रहे हैं कि हमने पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया तो किस तरह का पेंडेमिक आया हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर सिचुएशन के साथ। जैसे 1971 के बाद से सभी देशों ने ये कोशिश की कि पर्यावरण का संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। और पर्यावरण का संरक्षण कभी भी कोई देश, कोई सरकार या कोई संस्था नहीं कर सकती, उसमें सबसे अहम भूमिका निभाते हैं नागरिक। एक देश के नहीं, पूरी पृथ्वी पे जितने भी नागरिक हैं उन सभी का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें। तो इसीलिए ये हमारा मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। कौन सा? कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करनी है, उनका संवर्धन करना है ताकि वे विलुप्त ना हों, और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। तो ये हमारा सेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी था। अब देखिए आठवां फंडामेंटल ड्यूटी है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब देखिए जब तक हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि हम अंधविश्वासों को ना माने, अंधविश्वासों को ना मान करके हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क वितर्क पे आधारित दृष्टिकोण होना चाहिए कि किसी भी बात को हम फॉलो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और उसके रिजल्ट क्या निकल कर आएंगे। और यदि हम किसी बात को नकार रहे हैं तो क्यों नकार रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। तो आठवीं फंडामेंटल ड्यूटी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास में, अपने सुधार में लग जाए तो देश वैसे भी विकसित हो जाएगा, क्योंकि सभी नागरिक मिलकर के ही तो एक देश का निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक नागरिक यदि ज्ञानार्जन की भावना रखे, मानववाद की भावना रखे, सुधार की भावना का विकास करे तो देश वैसे भी विकसित हो जाएगा। इसमें कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है। अब अगला देखिए नाइन्थ, इसको नो से याद रखना है। नो, नो मीन्स नो। क्या नहीं करना? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। हिंसा नहीं करनी। ऐसा इसलिए जोड़ा गया
क्योंकि स्वतंत्रता के बाद और 1947 से अगर 1976 तक के टाइम को हम देखते हैं, जब तक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, तो पर्पज क्या चल रहा था आखिर फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ने का? तो एक पर्पज ये भी था कि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद हमारे आंतरिक मुद्दे बहुत बढ़ गए थे और उन आंतरिक मुद्दों को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे थे, और आंदोलनकारी जो हैं वो ये समझते थे कि सार्वजनिक संपत्ति को यदि नुकसान पहुंचाया जाएगा तो इससे सरकार को चेतावनी मिलेगी या सरकार हमारी मांग सुनेगी। ये एक भ्रम है जो आज तक भी बना हुआ है। आज भी आंदोलन करने वाले लोग हमारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आपको ये भावना, ये जो शब्द लिखे गए हैं इनमें क्या सार निहित है वो समझना है। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति कैसे आती है? जब उस देश के नागरिक टैक्स देते हैं, यानी नागरिकों के कमाए हुए धन से ही सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है, और उस सार्वजनिक संपत्ति का यूज़ भी वही नागरिक, वही आम जनता करती है। तो यदि किसी भी आंदोलन से या किसी भी हिंसा से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, इसका सीधा सीधा मतलब है हमने आम नागरिक या हमारे सभी देशवासियों का ही नुकसान किया है। तो इसीलिए ये हमारा मूल कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, उसे किसी भी तरह की हानि ना पहुंचाएं और हिंसा से दूर रहें। हिंसा कोई भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और ये गांधी जी ये बात समझाते समझाते चले गए इस दुनिया से कि हिंसा समाधान नहीं है। चलिए, अगला फंडामेंटल ड्यूटी है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अब देखिए, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दसवीं हमारा जो मूल कर्तव्य है, बार बार मूल कर्तव्यों पे ये आरोप लगता है कि इनमें शब्दों का और जो कर्तव्य हैं उनका रिपीटेशन है कहीं ना कहीं। तो ये फैक्ट हो भी सकता है, लेकिन हमारे पास संविधान संशोधन तो हम कर नहीं सकते कि हाँ भाई 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, इनको हटा करके 3-4 कर देते हैं, क्योंकि उन्हीं में सब समाहित हो जाएगा। तो अभी हम आरोप ना लगा करके हमें पूरी 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटी याद करनी है, और उनकी भावनाओं को और जिन विचारों के साथ इन फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था उनको समझना हमारा उद्देश्य है। तो देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना है। यहाँ पे फिर से इंडिविजुअल के विकास की बात चल रही है कि व्यक्तिगत विकास, प्रत्येक नागरिक अपना विकास करे, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरों को क्षति ना पहुँचे या दूसरों को शोषित करके, उनका शोषण करके अपना विकास ना करें। इसीलिए दूसरा शब्द क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, यानी आगे बढ़ने का हमें लगातार प्रयत्न करना है, जिससे, अब यहाँ पे ये सार भी इसी में बता दिया है कि इससे क्या होगा, राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो यदि पूछा जाए कि वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है जिसमें सीधे देश के विकास की बात कही है, तो देश विकसित होगा कब, जब व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में सभी नागरिक अपनी भूमिका निभाएं, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपना विकास करें, जिससे राष्ट्र का विकास होगा। चलिए, अब देखते हैं 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए, जब फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी तब 10 ही थी संख्या में। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ी गई थी। देखिए, 11वीं क्या कहती है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी हर पेरेंट्स की ये मूल कर्तव्य है या उनका दायित्व है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण करवाएं, ये उनका दायित्व है। और साथ ही याद रखना, ये फंडामेंटल ड्यूटी के साथ साथ फंडामेंटल राइट भी है। आर्टिकल 21A हमने देखा था, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा के अधिकार के तहत
फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाया गया है। क्योंकि आप इस बात को समझिए, 6 से 14 वर्ष आयु का बच्चा अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होता। तो जब तक उसे अपने अधिकार समझ में आते हैं, उसकी उम्र 14 से तो डेफिनेटली ज़्यादा हो जाती है। तो आप सोचिए, आखिर वो इस अधिकार को कैसे भुना पाएगा, वो इस अधिकार को एक्सरसाइज कैसे करेगा, जब उसे पता ही नहीं है कि उसे कौन सा अधिकार दिया गया है। तो इसीलिए इसको फंडामेंटल ड्यूटी के तहत भी जोड़ा गया है कि प्रत्येक माता पिता, क्योंकि माता पिता की तो उम्र ऐसी है जिसमें वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं, अधिकारों को जान रहे हैं, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल ड्यूटी बनाया कि माता पिता या संरक्षक, यदि किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं तो उसका जो पालन पोषण करने वाला व्यक्ति है, उसका जो संरक्षक है, उसका ये दायित्व है, कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को, जिसे भी वो पाल रहा है या वो खुद का बच्चा है, उसको शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये थी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि बहुत आसान हैं, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। पहली चीज़ तो कि इस देश का नागरिक होने के नाते क्या हम हमेशा सिर्फ अपने मूल अधिकारों को ही एक्सरसाइज करेंगे? नहीं, हमारे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी हैं। देखिए, इसी बात पे एक बहस चलती है, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि क्या मुद्दा है। देखिए, मूल अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में, ये हम पढ़ भी चुके हैं, और भाग 4 में है DPSP, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। सीधा सा मतलब, राज्य का क्या कर्तव्य है, कौन सी ड्यूटीज हैं, ये दिया गया है भाग 4 में। नागरिकों के कर्तव्य दिए हैं भाग 4 के में। भाग 4 के में अब देखिए, यहां पे बहस ये होती है कि जब भाग 3 में मूल अधिकार दिए थे तो उनके ठीक बाद मूल कर्तव्यों को, दायित्वों को रखना चाहिए था, ना कि राज्य के दायित्व या राज्य के कर्तव्यों के बाद नागरिकों के कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए था। तो लेकिन मैंने कहा ना, ये हमारी बहस का मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमें हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करके आना है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और इसी के पैरेलल में फर्स्ट प्रायोरिटी ये भी है कि हम हमारे मूल कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ईमानदारी से करें, ताकि हमारा राष्ट्र भी विकसित राष्ट्र बने। अब देख लेते हैं कि वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिन्हें जोड़ा जाना चाहिए था लेकिन जोड़ा नहीं गया। एक तो वोट देने का कर्तव्य। देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है और हम अपना प्रतिनिधि चुन करके संसद में भेजते हैं, लोकसभा में हम हमारा प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं। तो एक बात सोचिए कि वर्तमान भारत में जब वोटिंग होते हैं, चुनाव होते हैं, उस समय भारत का प्रतिशत या किसी भी राज्य का प्रतिशत निकल कर आता है, 50% वोटिंग हुई, 55% हुई, कहीं कहीं 60 या 70%। तो क्या ये भारत का दुर्भाग्य नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी का देश, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश, और वोटिंग का परसेंटेज हमारे यहाँ इतना कम? तो वोटिंग तो एक ऐसा कर्तव्य होना चाहिए कि 100% वोटिंग निश्चित की जा सके, ताकि रियल में जो डेमोक्रेसी का मूल्य है वो समझ में आ सके। तो देखिए, इसीलिए वोट देने का अधिकार तो है ही है, कर्तव्य होना चाहिए था। वोट देने के अधिकार के साथ साथ वोट देना हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए था, इसे कहीं नहीं जोड़ा गया, जोड़ा जाना चाहिए, ये वर्तमान समय की डिमांड है। दूसरा देखिए, टैक्स। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी आय का ब्यौरा राज्य को या सरकार को या देश को दे, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और हम आर्थिक स्तर पे सुदृढ़ हो सकेंगे। क्योंकि वर्तमान में भारत में इतना असंगठित क्षेत्र है कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो बहुत बड़ा लूप होल है। टैक्स के लिए कर्तव्य होने का ये मतलब नहीं है कि प्रत्येक नागरिक को टैक्स देना चाहिए, आय का ब्यौरा देना चाहिए कि वो पूरे वर्ष में कितनी आय या कितनी इनकम उस व्यक्ति की होती है, इसी ब्यौरे से हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलेगी।
तो टैक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि टैक्स भरना ही है, कुछ पैसे सरकार को देने ही हैं, वो तो हम प्रत्येक नागरिक टैक्स दे रहा है। कैसे? हम जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उन सभी वस्तुओं पे इनडायरेक्ट टैक्स GST हम दे ही रहे हैं सरकार को। लेकिन साथ साथ में यदि आय का ब्यौरा भी दिया जाए तो गवर्नमेंट के लिए काम करना ज़्यादा सुविधाजनक हो जाए, हमारी जो नीतियाँ हैं वो ज़्यादा सफलता से क्रियान्वित हो सकें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टैक्स रिटर्न जो फाइल है, टैक्स के लिए जो फाइल है, कम से कम वो तो फुलफिल करें, अपनी आय का ब्यौरा अवश्य दें, ये कर्तव्य होना चाहिए था। तीसरा है परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे संसाधन सीमित हैं, किसी भी देश के संसाधन सीमित ही होते हैं, प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। यदि इन संसाधनों पे जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जाएगा तो ये प्रत्येक नागरिक के साथ समस्या है, ये किसी एक वर्ग, किसी जाति की समस्या नहीं है, ये प्रत्येक देशवासी की या प्रत्येक नागरिक की समस्या है। तो इसीलिए परिवार नियोजन भी एक मूल कर्तव्य होना चाहिए था। ये तीनों ही वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिन्हें हमारे संविधान में या हमारे मूल कर्तव्यों में जोड़ा जाना चाहिए। चलिए, ये आज हमने हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कंप्लीट किया है। आई होप आप लोग याद करने के साथ साथ इन भावनाओं को, इन विचारों को बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।